ओम शांति। बाबा ने जो हम बच्चों को साक्षात्कार कर अंतिम समय के अनेक दृश्य बताए थे, प्रकृति के प्रकोपों के, विश्व युद्ध के अनेक विनाशकारी दृश्यों को हम बच्चों को समझाया था, जिसका हम समय प्रमाण प्रत्यक्ष उदाहरण देखते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता, वैसे वैसे प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाकर मानव जाति को मौत के आगोश में सुलाती जा रही है। ऐसे ही चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट हमें इशारा दे रही है कि अब समय नजदीक है, अब आगे चलकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आनी हैं, पेपर आने हैं, जो ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष आएंगे, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को अनेक इशारे दिए थे, अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने के, एक रस स्थिति में स्थित होकर तीव्र पुरुषार्थ करने के, जिसमें बाबा कहते हैं आगे चलकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, उन परीक्षाओं में पास होने के लिए आप बच्चों में सभी शक्तियां भरपूर होनी चाहिए, जिसमें से परखने की शक्ति विशेष चाहिए। अगर परख नहीं सकते हो तो यह किस प्रकार का विघ्न है, यह किस प्रकार की समस्या है, यह समझ नहीं पाएंगे। माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आ रहा है, तो उन परीक्षाओं में हम फेल हो जाएंगे। अगर परख शक्ति अच्छी होगी तो उस परिस्थिति को, विघ्न को, समस्या को स्वतः और सहज परख कर श्रेष्ठ निर्णय लेकर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहते विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है, वह अयथार्थ है, फायदा है वह नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदाकाल की प्राप्ति है। परखने के साथ जो समय पर ठीक निर्णय करते हैं उनमें सहन शक्ति स्वतः आ जाती है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होगी वह कभी हार नहीं खा सकेंगे। जब कोई भी परिस्थिति सामना करती है, उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था, इस सोच में समय नहीं गवाना है, प्रश्नों में मन को उलझाना नहीं है, सदा यही सोचो कि जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है, भल रूप सरकमस्टांस का है, लेकिन समाई सर्विस है, समाया कल्याण है। ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रह सकेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति से परिस्थितियां चींटी के समान अनुभव होंगी। अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जितनी परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी उतना हर कार्य में सफलता भी मिलती जाएगी। पूरी परख ना होने के कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वह प्राप्ति उनको नहीं होती है। इसलिए सर्विस में सफलता
कम मिलती है। समय प्रमाण ज्ञान योग के साथ साथ अब सर्व शक्तियों में संपूर्ण बनो। विशेष परखने की शक्ति ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप एक सेकेंड में उसके तीनों कालों को परख लो। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उसकी वृत्ति दृष्टि और भविष्य में कहां तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने व परखने की शक्ति अभी और बढ़ानी चाहिए। कोई भी विघ्न व परिस्थिति हो, माया का स्वरूप हो, उसको पहले से परखने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाना है। परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ बुद्धि तब बनेगी जब कोई भी संकल्प मर्यादा के विपरीत नहीं होगा, अर्थात संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क श्रीमत अनुसार होगा। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो, तब आपकी स्वच्छ बुद्धि स्वयं को व सर्व को सहज ही परख सकेगी। परखने के साथ अगर निर्णय करने व निवारण करने की शक्ति ठीक होगी तो हर बात का सामना कर सकेंगे। परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा कहते दिल की सच्चाई सफाई चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होते हैं और साहेब राजी होने पर ही सर्व शक्तियां स्वतः और सहज प्राप्त होती हैं। साथ साथ संकल्प की शक्ति भी है, उसको ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर भी चाहिए। जिनके पास यह दोनों शक्तियां हैं उनकी बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जब दुनिया में किसी भी कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के संबंध संपर्क में आते हो तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। इस परखने की प्रैक्टिस को छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को उनके वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को परखने से विजयी बन जाएंगे। मास्टर त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बन, अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। इससे आप अपनी राशि व दशा को व लकीरों को बदल सकते हो। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। नॉलेज के साधनों द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। परखने की शक्ति अगर कम है तो उनके पास हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के क्वेश्चन मार्क बहुत होंगे। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वे स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होंगे। दूसरी बात, वह कभी भी किसी को समीप आत्मा नहीं बना सकेंगे। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं ला सकेंगे। इसलिए अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए
अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर, स्वच्छ और साफ हो, जिससे सर्वशक्तिमान से कनेक्शन जुटा रहे, हर समय सर्व शक्तियों को यूज कर सकें, हर परीक्षा में, पेपर में, विघ्नों में माया के रूप को पहचान कर उस पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर सकें। तो ये विशेष बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में हम बच्चों के लिए अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए इशारे दिए थे। ऐसे ही और विशेष इशारों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।